हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टे क्लासी एनएस। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और अमेजिंग सा एक DIY शेयर करने वाली हूँ। वो बहुत ही इजी है, आपको इसमें ड्राइंग ही निकालना है और ये आप पिंटरेस्ट पे देख के इसको डेफिनेटली बना सकते हो। और ये जो DIY है, आपको कहीं पर भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि हॉल में हुआ, लिविंग एरिया में हुआ, रूम्स में हुआ, किचन में हुआ, आप कहीं भी आपके हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सिंपली चाहिए कार्डबोर्ड, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, बिकॉज हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कार्डबोर्ड्स होते ही है, तो हम इसको इजीली उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिए हैं, 3 कार्डबोर्ड मैंने लिए हैं एक साइज़ के। एक थोड़ा सा पतला था, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे उसको पीछे से थोड़ा स्टर्डी बना लिया है। तो सारे कार्डबोर्ड मेरे रेडी है। तो कार्डबोर्ड को हम यहाँ पर पहले गेसो अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे पेंटिंग करना है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे तीनों कार्डबोर्ड पे गेसो अप्लाई किया है एक कोट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केचिंग करना स्टार्ट कर दिया। मुझे जो डिज़ाइन चाहिए वो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लिया था, तो पिंटरेस्ट से आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको स्केचेस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत थीम मतलब ये किया था, डिसाइड किया था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बहुत थीम के रिलेटेड ही स्केच बना लिया है। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्केच कर लिया था। स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली कलर्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़े से डार्क शेड्स है, थोड़े से लाइट शेड्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा उसको शेडिंग कर रही हूँ ताकि और भी ज़्यादा एनहांस हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक ब्राउन शेड यहाँ पे अप्लाई किया है और नीचे मैंने कुछ स्टेयरकेस बनाया है, एक डोर बनाया है और ऊपर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था, उसमें मैंने ब्लैक कलर एड ऑन किया है और थोड़े से शेड्स मैंने ऐड करके यहाँ पे लीव्स वगैरह ऐड किया थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं बोहो थीम मैंने इमेजिन किया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये इसको अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे चीज़ें नो कोट्स लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको मोटिवेशन कोट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर मेरे जैसे आप यहाँ पे बोहो लुक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट DIY है स्केच बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे अभी दूसरा मैंने यहाँ पे बना लिया है, उसको भी हम यहाँ पे पेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का बहुत ही लाइट शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने हाफ़ सर्कल यहाँ पे ड्राइंग किया, तो 3 हाफ सर्कल में मैं अलग अलग कलर्स ऐड करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया, फिर थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उसके बाद मैंने ब्लैक ऐड किया है, वाइट ऐड किया है और यहाँ पे भी मैंने लीव का शेप अप्लाई किया है ताकि जो हम क्रिएट करें वो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग उसके ऐड ऑन किए हैं। आई होप ये आपको DIY अच्छा लगे। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो डेफिनेटली आप चेकआउट ज़रूर करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना इसके लिए। और आपने क्या क्या DIY बनाए डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना गाइस। और मैंने बहुत सारे DIYs अपने चैनल पे अपलोड किए, अगर आप DIY क्राफ्ट रिलेटेड आप देखना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो वो चीज़ें देखने के लिए। अगर आपके कुछ सजेशंस है तो आप मुझे वो भी कमेंट्स कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का ID ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है, तो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो दूसरा DIY भी हमारा रेडी हो गया था, मतलब दूसरा पेंटिंग हमारा रेडी हो गया था। अभी हम यहाँ पे तीसरा मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 हंडिया ट्राई किए, जैसे कि फ्लावर पॉट होता है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक हाफ आर्च मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक हाफ मून मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और जो बैकग्राउंड है मैंने फुल ब्लैक रखा है यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हो, अच्छे से हम यहाँ पे पेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं, उसके बाद मैंने पेंसिल ब्लैक पेन एज अ मार्कर मैंने यूज़ किया है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें वो मैंने यहाँ पे सारी ऐड ऑन की है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको कलर कॉम्बिनेशन पसंद है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप मेरे कलर्स ही यहाँ पे यूज़ करो, आपको जो कलर पसंद है आप यहाँ पे डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बोहो DIY
बन के रेडी हो चुका है। आई होप ये डीआईवाई आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, गाइस शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती ही रहूँगी। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।